दोस्तों मार्केट से मैंने नॉर्मल प्लास्टिक कार खरीदी थी। इसमें ना ही कोई मोटर या फिर लाइट्स लगी थी। इस कार को दोस्तों मैंने पूरी तरह से कन्वर्ट किया है। इसमें मैंने मोटर लगाई है, एलईडी लाइट्स भी लगाए हैं। तो चलिए मैं आपको आगे इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे इंडिकेटर लाइट्स ब्लिंक हो रही है। मतलब दोस्तों कार जिस डायरेक्शन में टर्न लेगी उस साइड की इंडिकेटर लाइट ऑटोमेटिकली ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने दो हेडलाइट भी लगाई है जो मैं स्विच से कंट्रोल कर रहा हूँ। दोस्तों ये दूसरे एंगल से व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार का टायर लेफ्ट साइड में टर्न करने पे लेफ्ट वाला इंडिकेटर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और पीछे की तरफ आप दो रेड एलईडी देख सकते हैं, ये ब्रेक लाइट्स है। मतलब कार में जब रिवर्स में लूंगा तब ये लाइट जलेंगी। तो चलिए दोस्तों कार को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कार को मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। नीचे की तरफ 6 स्क्रू है वो मैंने हटा दिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कार का ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट अलग कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मल सा प्लास्टिक का खिलौना है। इसमें कोई भी मोटर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने साइकिल का एक स्पोक लिया है और इसे देखिए इस तरह से 90 डिग्रीज में बेंड किया। यहाँ पे दोस्तों मैं कार का स्टेयरिंग बना रहा हूँ। बाद में मैंने इस साइकिल के स्पोक में देखिए रिफिल का एक टुकड़ा इस तरह से डाल दिया। और व्हील देखिए कुछ इस तरह से लगने वाला है। इसका स्टेयरिंग मैकेनिज्म देखिए कुछ इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे दोस्तों जस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगी। बाद में दोस्तों मैंने देखिए साइकिल के स्पोक को कुछ इस तरह से बेंड किया और इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट मैंने हटा दिया। और हमारा व्हील देखिए इस तरह से टर्न होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दो सिमिलर पार्ट्स बना लिए हैं, एक लेफ्ट व्हील के लिए और एक राइट व्हील के लिए। लेकिन दोस्तों स्टेयरिंग मैकेनिज्म लगाने से पहले चलिए पीछे की तरफ मोटर लगा लेते हैं। बाद में दोस्तों इस गाड़ी के गियर मैकेनिज्म में से देखिए बड़ा सा मेटल का व्हील मैंने हटा दिया। दोस्तों इस मेटल व्हील में देखिए ये प्लास्टिक का गियर लगा हुआ था जो मैंने निकाल दिया। ये हमारे काम आने वाला है क्योंकि इसमें हम मोटर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मेटल का रॉड लिया है जो इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गियर को फंसा दिया है और जब ये गियर घूमेगा तब हमारा व्हील भी घूम रहा है। बाद में दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टॉय मोटर ली है और इसे देखिए इस तरह से लगाया है। तो दोस्तों ये मोटर अभी हवा में लटक रही है तो इसे फिक्स करना जरूरी है। इसीलिए मैंने देखिए नीचे की तरफ एक हॉट ग्लू से रबर का टुकड़ा चिपका दिया। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मोटर को 5 वोल्ट का सप्लाई देके जस्ट चेक किया कि सब ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों मोटर को चलाने के लिए मैं L2910 मॉडल का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोटर की दोनों वायर्स को L2910 मॉडल की मोटर आउटपुट पिंस में जोड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों मैंने अड्रिनो नैनो बोर्ड यूज किया है जो L2910 मॉडल को चलाएगा और हमारी कार की एलईडी लाइट्स को भी कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने D6 से लेके D12 पिन तक सभी पिन्स में देखे जम्पर वायर्स लगाई है। तो यहाँ पे दोस्तों एलईडी लाइट्स लगने वाले हैं। और दोस्तों कार के हेडलाइट्स बनाने के लिए मैंने देखिए ये टॉर्च यूज किए और इसमें से ये फ्रंट वाला प्लास्टिक का पार्ट मैंने हटा दिया। इस पार्ट को मैंने बीच में से काट दिया और यहाँ पे मैंने दो हेडलाइट्स तैयार कर ली। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एलईडी लाइट्स का कनेक्शन सीरीज में किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने नैनो बोर्ड से सभी एलईडी लाइट्स को कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्शन एग्जैक्टली कैसे करने इसका डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद में दोस्तों मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली है। यहाँ पे मैं 2S 360 mAh बैटरी यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं L2910 मॉड्यूल और IA6P रिसीवर दोनों में रेड लाइट जल चुकी है। दोस्तों ट्रांसमीटर पे रडर स्टिक मैंने टर्न लेने के लिए असाइन करी है। तो आप देख सकते हैं रडर स्टिक लेफ्ट या राइट में लेने से इंडिकेटर एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच ऑन करने के बाद हेडलाइट चालू हो रही है और स्विच ऑफ करने के बाद हेडलाइट बंद हो रही है। और जब दोस्तों मैं कार को पीछे की तरफ लूंगा मतलब रिवर्स में लूंगा या फिर ब्रेक लगाऊंगा तब आप देख सकते हैं ब्रेक लाइट स्टार्ट हो रही है। तो ये सभी लाइट्स दोस्तों अड्रिनो नैनो बोर्ड से कंट्रोल हो रही है और इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों स्टेयरिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक के दो क्यूब्स लिए हैं और इन्हें देखिए मैंने हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका दिया।
और यहाँ पे दोस्तों देखें, मैंने स्टेयरिंग मैकेनिज्म कुछ इस तरह से लगाया है। पहले मैंने इस ग्रे वाली रिफिल को यहाँ पे धागे से लपेट दिया और उसके ऊपर हॉट ग्लू लगा दिया, तो अभी आप देख सकते हैं काफी मजबूत हो गया है और अब हम व्हील्स लगा सकते हैं। दोस्तों ये व्हील्स निकल ना जाए इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे रिफिल का एक टुकड़ा लगा दिया और उसमें से एक्स्ट्रा वाला पार्ट हटा दिया। बाद में दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे एक सर्वो लिया, इस सर्वो की आर्म को मैंने देखिए इस व्हाइट वाले प्लास्टिक के टुकड़े में एक तार की मदद से इस तरह से जोड़ दिया और ये व्हाइट वाला प्लास्टिक का टुकड़ा देखिए यहाँ पे इस तरह से लगेगा और इस कार की स्टीयरिंग असेंबली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों ये रहा इस स्टीयरिंग सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म। फाइनली दोस्तों मैंने कार के ऊपर की साइड में देखिए यहाँ पे कुछ होल्स कर दिए। इन होल्स में देखिए एलईडी लगने वाली है। यहाँ पे फ्रंट साइड में दो व्हाइट कलर के जो मैं पार्ट लगा रहा हूँ इनमें कार की हेडलाइट लगने वाली है। बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी एलईडी लाइट्स को लगा दिया है और दोस्तों इन एलईडी लाइट्स को मैंने अंदर से हॉट ग्लू से चिपकाया है। कार के अंदर की साइड दोस्तों कुछ इस तरह से दिख रही है और यहाँ पे रिसीवर लगा है। दोस्तों ट्रांसमीटर पे आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं दिखाता हूँ। आपको सेटअप में जाना है, सेटअप में जाके मिक्स फंक्शन में जाना है। फर्स्ट मिक्स ऑन रहेगा, मास्टर चैनल 4, स्लेव चैनल 6, पोजीशन और नेगेटिव मिक्स दोनों 100 100% और ऑफसेट 0 रहेगा। और कैंसिल का बटन दबा के रखना है जिससे कि सेव हो जाए। दोस्तों मिक्स 2 एंड 3 ऑफ रहेंगे और चलिए अब डिस्प्ले में जाके देखते हैं इससे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चैनल 4 मतलब ये रडर स्टिक जब घुमाता हूँ तब चैनल 4 के साथ साथ चैनल 6 में भी मूवमेंट हो रही है। तो ये इसलिए दोस्तों क्योंकि रिसीवर के चैनल 4 में सर्वो का मैंने कनेक्टर लगाया है और चैनल 6 मैंने अर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट किया है। दोस्तों ये सब आपको सर्किट डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पे जब मैं स्विच ऑन करूंगा तब हेडलाइट्स ऑन होनी चाहिए और स्विच ऑफ करने के बाद हेडलाइट ऑब्वियसली ऑफ होनी चाहिए। रडर स्टिक अगर मैं राइट की तरफ लूंगा तो कार का व्हील राइट की तरफ टर्न होना चाहिए और राइट वाला इंडिकेटर भी ब्लिंक करना चाहिए। सेम इसी तरह अगर मैं कार्स को रिवर्स में लेता हूँ या फिर ब्रेक लगाता हूँ तो पीछे की रेड LEDs दोनों स्टार्ट हो जाती है और ऑफ कोर्स अगर मैं फॉरवर्ड जाता हूँ तो कार के व्हील्स आगे की तरफ घूमनी चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।